सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सब आवारा पशुओं से, नील गायों से परेशान है। वैसे हम बीजेपी से संबंधित हैं, बसरते ये योगी जी का ये काम जो है यही जगह पे अड़चने हैं। ए बाबू, बिना सरकारी नौकरी के कहाँ टीका दिए आए थे के पाए बा सरकारी नौकरी। सब पढ़ लिख के घूमता है, ऐसे के सरकारी नौकरी करतबा। सरकार का सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन ओबीसी के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निजीकरण की वजह से भी है, और ये कोई वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, कब तक पढ़ेंगे वो? तीसरा लड़का हमारा, वो भी पढ़ लिख कर तैयार है सर्विस के लिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। बीजेपी की नाराजगी से बीजेपी हमें गड्ढे में ले जा रही है। जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका तक हमारे मोदी से घबरा रहा है। किस चीज में मोदी ऊपर है, किस चीज में ट्रंप? लोकप्रियता में। चलिए विकास का बताइए, क्या चीज अच्छा? विकास के बाद आज हर इंसान को 5 किलो राशन मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं। नर्सरी स्कूल में सब पढ़ाना चाहते, प्राइमरी में कोई नहीं पढ़ाना चाहता। हाँ, प्राइमरी की स्थिति बहुत गड़बड़ है। 10 साल बहुत अच्छी सरकार ये चला है। हाँ, मोदी सरकार। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। क्यों पसंद है? हाँ, क्योंकि मोदी काम अच्छा है। लोग भड़का रहे हैं, ये काम सपा वाले पार्टी का है। सीसीए में आपका स्वागत है। अभी हम फूलपुर लोकसभा में हैं और फूलपुर लोकसभा के ईसीपुर गांव में है। इस बार यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमरनाथ सिंह मौर्य, प्रवीण पटेल जी भाजपा से और जगन्नाथ पाल जी बसपा से। ईसीपुर गांव जहां पर हम फिलहाल हैं, ये मुख्य रूप से मौर्य बाहुल गाँव है, मौर्य समाज का गाँव है। यहाँ पर किसी ज़माने में केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ से चुनाव जीते थे भाजपा से। उनका भी अपना क्या इस क्षेत्र में क्या प्रभाव है, या फिर अमरनाथ सिंह मौर्य जी जो सपा ने इस बार जो अपने प्रत्याशी दिए हैं, क्या उनका ज़्यादा प्रभाव होगा? आइए मौर्य समाज से बात करते हैं। मौर्य समाज मतलब कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज, काफ़ी संख्या में कुशवाहा समाज की यहाँ वोट है फूलपुर लोकसभा में, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। आइए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या रुझान है। जी आपका नाम क्या हुआ? जी द्वारका प्रसाद कुशवाहा। जी द्वारका प्रसाद कुशवाहा। द्वारका जी, क्या करते हैं आप? बस घर पे खेती काम करते हैं। खेती का काम करते हैं। कैसे रहे हैं? 10 साल आवारा पशुओं से खुश रहे हैं, आप भी परेशान रहे हैं? आवारा पशु तो दिक्कत है। हाँ, हमी को नहीं, करीब करीब हमारे ख्याल से पूरे फूलपुर तहसील को दिक्कत है। फूलपुर ही नहीं, हम तो मुजफ्फरनगर मतलब उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ तक आए, हर जगह वो दिक्कत है। पूरे इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी किसान हैं सब आवारा पशुओं से, नील गायों से परेशान हैं। वैसे हम बीजेपी से संबंधित हैं, बसरते ये योगी जी का ये काम जो है यही जगह पे अड़चने हैं, जो कि किसान यहाँ के परेशान हैं। बाकी तो बीजेपी के हम सपोर्टर हैं, बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा बीजेपी के काम में? इनका अच्छा ये हुआ कि जो है, बाकी तो रोड रास्ता हर चीज़ इनका बहुत अच्छा है, बाकी जो ये चला रहे हैं वो भी ठीक है। लोग सरकारी नौकरी के नाम पे बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को, सरकारी नौकरी सरकार कहाँ से देगी? अब ये नहीं, जैसे पुलिस की इनका जो फंडा है, हम आपको बता रहे हैं, इनका जो फंडा है कि हम भाजपा के सदस्य हैं क्या? नहीं, सदस्य तो नहीं है, लेकिन ये कि हमें भाजपा अच्छा लगा और भाजपा के सपोर्टर हैं। नहीं तो चलिए ये बताइए, सरकारी नौकरी में आप कह रहे हैं कहाँ से देंगे, कि सरकारी नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो कुछ एक सरकारी प्रशासन होता ही होता है, उसमें चाहे पुलिस हो, चाहे आपका टीचर की नौकरियाँ हो, मास्टर की नौकरियाँ हो, चाहे अस्पतालों में डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, निम्न एक सरकारी ढांचा तो चलता ही चलना चाहिए। अगर ये सब तो वैकेंसियां सरकार को निकालनी ही पड़ेंगी ना, उसके बिना तो सरकारी ढांचा चल नहीं पाएगा। हाँ। लेकिन जो सरकारी टीचर हो गए हैं वो तनख्वाह लेंगे पूरा, लेकिन काम नहीं करेंगे एक भी, उनके स्थान पे प्राइवेट। तो आप मान रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में कोई सुधार नहीं आया है सरकार में? नहीं, जो जैसा है वैसे चल रहा है। नहीं आया सुधार, हम यही पूछ रहे हैं आपसे। सुधार जो कुछ भी है, जो पहले था वही है। वही है तो सुधार नहीं आया, जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। वादा तो किए थे राम मंदिर का मुद्दा लेकर के ये बीजेपी उठे थे और अपना राम मंदिर बनवाए। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, किसका था? ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन ये भी तो मतलब चुनाव मंदिर मस्जिद के ही मुद्दे पर होगा।
शिक्षा स्वास्थ्य इन चीज़ों पर नहीं होगा? शिक्षा स्वास्थ्य तो हर आदमी कैसे कैसे कह पाएगा भाई। चलिए ठीक है, तो आपने कह दिया कि चुनाव मंदिर मस्जिद पर है, ना कि शिक्षा स्वास्थ्य, वो मुद्दा नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य तो जो लगे हैं जहाँ जो जैसा है वो ठीक ही है। चलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। जी बाबूजी नमस्कार, बात करेंगे दो मिनट? हाँ बात करते। क्या नाम हुआ अपना? फुल्लन। हाँ जी फुल्लन, इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा फुल्लन जी क्या करते हैं? ऐसे घूम रहा है साहब। खेती है? अरे का खेती बा, जब दस लड़का हो गए तो खेती रह गई तो उतने में का होता है? बेटियां हैं दस? हाँ। अच्छा तो उसे का होने वाला है? ब्याह गई हैं? अरे भाई बिटिया नहीं ना, बेटवा ज़्यादा है। बेटवा ज़्यादा है? हाँ। नौकरी लग रही उनकी? कहाँ नौकरी लगी बा। अच्छा कहाँ नौकरी लगी बा, सब दूध बेच के अपन हुए खाद भी तो हैं। हाँ कौन नौकरी बा हुआ? बाबूजी तो कह रहे हैं कि नहीं सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, सरकार प्राइवेट नौकरियाँ दिलवा रही है। ए बाबू बिना सरकारी नौकरी के कहाँ टीका दिए है कि पाए बा सरकारी नौकरी? सब पढ़ लिख के घूमता है ऐसे के सरकारी नौकरी करतबा? गल्ला मिल रहा है? हाँ गल्ला तो मिलत बा। तो ठीक पड़ रहा है या महंगा है? पेंशन मिल रही है अंकल जी? हाँ पेंशन मिल रही है। हाँ भाई तो, बोला हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है, अगर मिल रही है आपका हक है, पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो इस सबसे पेंशन तो मिलवाई मिलनी चाहिए बिल्कुल। तो इस सबसे ठीक चल पा रहा है या बहुत उसके बावजूद महंगाई की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, क्या चल रहा है? जब चले तब ठीक है भाई। हाँ अब का हम महंगाई बताई का सस्ताई बताई? हाँ जमन चलाई तमन ठीक है। अच्छा ये बताइए वोट कहाँ कीजिएगा इस बार? कैसे वोट? वोट चुनाव आ रहा है ना। हाँ किधर कीजिएगा? केका देई जब आई आज उस टाइम तो देखा जाए केका देई थी। पिछली बार किसको दी थी? हाँ पिछली बार किसको दी थी? 19 में किसको दी थी? देखा भाई साइकिलिंग के देते रहे झूठ ना बोल। साइकिल को देते हैं? हाँ हाँ तो इस बार भी साइकिल को दे रहे हैं। अब समझाओ है कितना दे तो साइकिल मानी जाए। अच्छा हाँ देखा भाई झूठ ना ही बोले के बाद। नहीं नहीं अरे झूठ बोलना क्या है? ये भाजपा के साथ हैं आप, साइकिल के साथ हैं, सबका अपना मत है भाई, इसमें झूठ क्या बोलना है? यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। तो क्यों पसंद है साइकिल अखिलेश, क्यों पसंद है? अरे भाई सब भाई पसंद बा हमका ही नहीं ना जाना। ठीक हाँ चलिए आगे चलते हैं हम, कोई नहीं। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जी। नमस्कार बाबू जी, थोड़ा चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ पैर में, क्या हो गया? अरे ऐसे हो गया, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया अपने ही गाड़ी से? अच्छा ज़्यादा सीरियस तो नहीं है अब? नहीं 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 बहुत दिक्कत नहीं है। अच्छा इलाज हो गया ठीक। क्या नाम हुआ? ब्रज बिहारी कुशवाहा। ब्रज बिहारी जी बताइए चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव के बारे में सब सोचे तो जाता है। हाँ क्या रहा है 10 साल सरकार के, कैसे रहे हैं? सरकार का सब कुछ ठीक रहा है लेकिन ओबीसी के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम ही ओबीसी हैं, मोदी जी अलग की बात है। अच्छा वो कोई हो इससे हमसे क्या मतलब है? आरक्षण पर आपको लग रहा है हमला हो रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ओबीसी हमला हो रहा है? हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से लग रहा है आपको, निजीकरण की वजह से हो रहा है, क्या कर रहे हैं? निजीकरण की वजह से भी है और ये कोई वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, कब तक पढ़ेंगे वो? नौकरी तो चाहिए होती है, वैकेंसियाँ तो बहुत कम निकली और पेपर लीक भी हो गया इस साल। पेपर भी लीक हुआ, जो एक आध दो निकली उनका पेपर लीक हो गया। तो ये बताइए फिर आपके गांव के शुरुआत में कोई मिले बोले नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, राम मंदिर बन गया हम खुश हैं, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या सबका ऐसा मानना है, उन्हीं का ही है? अब उनका होगा, उनका मैटर अलग से, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, उनको नहीं मतलब होगा नौकरी से। बच्चा लोग कितना बड़ा हो गया? हमारा एक बच्चा ग्राम विकास अधिकारी में है। अच्छा और दूसरे की 6-7 साल से हाई कोर्ट में चल रहा है केस, उसका भी ग्राम विकास अधिकारी में चयनित हुआ था लेकिन एक कट ऑफ मेरिट पर रुक गया है एज की वजह से, और हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं।
तो मतलब अटका हुआ है मामला। हाँ। और तीसरा लड़का हमारा वो भी पढ़ लिख कर तैयार है सर्विस के लिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जमीन है अपनी? है। खेती भी करते हैं? जी खेती भी होती है। बताइए कैसे रहे, आवारा पशु की इधर भी दिक्कत है? अरे है, वो अलग का मैटर है, उससे बहुत दिक्कत नहीं है। नहीं है उससे बहुत दिक्कत ना, वो तो सबके लिए है भाई, हम ही आप तो छोड़ते हैं, कोई और तो छोड़ने आता नहीं, तो उसका भुक्तभोगी भी तो हम ही आपको होना है, क्यों छोड़ते हैं? वो पहले तो नीति अलग थी ना, जो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नीति अलग थी, वो कट जाते थे अलग की बात है, बेच देते थे, वो अलग का इशू है, लेकिन छोड़ना भी तो नहीं चाहिए। क्या करें, नुकसान हो जाता है ना फिर लोगों का, कहाँ तक पालेंगे, छोटा किसान कहाँ तक पालेगा, वो तो यही कह रहे हैं। ठीक है, वो अलग का मुद्दा है, लेकिन ये सरकारी सर्विस वाला मुद्दा जबरदस्त है। ओबीसी को ये बिल्कुल गड्ढे में ले जा रहे हैं। तो पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा फिर? बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार तो बीजेपी को दिए थे। भरोसा था काम करेंगे वो? हाँ बिल्कुल भरोसा था काम करेंगे। तो कहाँ इस बार क्या सोच रहे हैं? अब इस बार सोच रहे हैं, अपने मौर्या जी भी आए हैं, इनके बारे में भी सोचना है। तो मतलब हमारे समाज से इसलिए वोट कर रहे हैं, भाजपा से नाराज हैं इसलिए वोट? भाजपा की नाराजगी से, नाराजगी ये मौर्या जी की मुंहदेखी वाली बात नहीं है। हाँ। बीजेपी की नाराजगी से, बीजेपी हमें गड्ढे में ले जा रही है। सब कुछ इनका ठीक है, लेकिन ये ओबीसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी सर्विस है फॉरवर्ड को मिल रही है, ओबीसी को नहीं मिल रही है। रिजर्वेशन की बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। वो फिर ख़त्म हो रहा है। अच्छा, ये लोग, इनके चार पांच नेता, चार पांच उम्मीदवार बोल दिए कि हम इस बार चुनाव में 400 पार आ गए तो हम लोग संविधान बदल देंगे, सुना है आपने? अरे अब संविधान बदल, भाई जब वो 400 पार चले जाएंगे, चाहे संविधान बदल दे चाहे देश ही बदल दे। अच्छा, हम वो देश भी बदल सकते हैं तब? देश भी बदल देंगे जब वो 400 पार ही हो जाएंगे। अच्छा। उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, चाहे जो कर दे फिर। लोकतंत्र में तो फिर विपक्ष भी उतना जरूरी है, मजबूत होना, विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। सरकार बदलना भी जरूरी है, सरकार बदलना भी जरूरी है। आप सब कुछ ठीक ठाक चले वो भी जरूरी है। भाई आप चुनाव क्यों कराते? इसीलिए ना कि हम देखें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पब्लिक किसको लाइक कर रही है, इसी बात का तो चुनाव है। चलिए, यहाँ बदलाव की बात उठी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आगे भी आपके गांव में ज़रा सब लोगों से बाबूजी बात करेंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद जी। आइए, गांव के बाहर पहुँच चुके हैं, थोड़ी और बात करते हैं। नमस्कार जी, दो मिनट बात हो जाएगी? काम के बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो वही माहौल है, वही बातचीत हो रही है हर जगह। आप इसी गांव से हैं? क्या नाम हुआ? चंद्रकेश कुशवाहा। चंद्रकेश कुशवाहा। चंद्रकेश जी, तो ये बताइए, इस चुनाव में आप केशव प्रसाद मौर्या के साथ हैं या अमरनाथ सिंह कुशवाहा के साथ हैं? जी हम मोदी के साथ हैं। आप मोदी के साथ हैं, भगवा टी शर्ट इसीलिए पहने हैं? जी हाँ। क्यों मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है, देश के राष्ट्रहित के में जो देश हित के जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका तक हमारे मोदी से घबरा रहा है। आज उनके रेटिंग देखा जाए तो कहाँ घबरा रहा है अमेरिका, किस मुद्दे पर घबरा है हिंदुस्तान से, नई चीज़ सुने? घबराने का मतलब ये है कि जैसे कि उसका रेटिंग पॉइंट अभी हो रहा है ना कि ट्रंप भी मोदी ऊपर है, ट्रंप नीचे है। किस चीज़ में मोदी ऊपर है, किस चीज़ में ट्रंप? लोकप्रियता में। सर वो तो लोकप्रियता, क्योंकि हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है तो वोट तो ज़्यादा पड़ ही जाएंगे। नहीं तो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारे मोदी जो राष्ट्र के अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वही हम पूछ रहे हैं, चलिए विकास का बताइए, क्या चीज़ अच्छा? विकास के बाद आज हर इंसान को 5 किलो राशन मिल रहा है, हाँ आवास मिल रहे हैं, जिससे रहने के लिए नहीं, अभी सामने वाला आवास बन रहा है, शायद इसके पास बनाने का कोई क्षमता नहीं था, आवास मिला उसको बन रहा है, हमको भी मिला, अभी सड़क देख ही रहे, चौड़ी हो रही, आपको लग रहा है एक्सीडेंट हो रहे थे, आवास और राशन ये आपको अच्छे लग रहे हैं? आयुष्मान भारत। उसी के साथ साथ जो महंगाई हो रही है, सरकारी अस्पताल तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, खराब हो रहा है, उसका क्या कहना है आपका? देखिए सरकारी अस्पताल तक लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं, जाते हैं, लेकिन उसकी शिकायत तो यहाँ सब फूलपुर के लोग कर रहे हैं। सत्य है कि कोई सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता,
सुधरेगा तो सभी जाना चाहेंगे ना। आज आज से 10 साल पहले की बात तुलना करें तो आज देखिए आज अस्पताल और 10 साल पहले के अस्पताल में आज अंतर है। मैं स्वयं आज बीपी की हार्ट की दवा कर रहा हूँ, सरकारी अस्पताल से कर रहा हूँ, आज 6 महीना हो गया मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे दवा मिलती है। आपके लिए अच्छा हुआ है, मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है। आप बेनिफिट जो लेना चाहे ले सकता है, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकता है, वो उनकी मर्जी की बात है। बाकी दवाई मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे सरकारी अस्पताल में कौन जाए, पैसा दे के करते हैं। जैसे कि आज नर्सरी स्कूल में सब पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी कोई नहीं पढ़ाना चाहता। हाँ, प्राइमरी की स्थिति बहुत गड़बड़ है। सरकारी स्कूल सुधरेंगे तो क्यों कोई प्राइवेट पर खर्चा करेगा, लेकिन बस वही नाम खराब है, कहते हैं कि कौन भेजे वहाँ पे। मूलभूत सुविधा अगर सुधरेगी तो लोग तो निकाल के, अब जैसे दिल्ली राज्य में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भेज ही रहे हैं ना। भेज रहे हैं, सही है, तो यहाँ भी भेजना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ होता है सामाजिक दबाव। हम मतलब अच्छा दिखा रहे हैं, पड़ोसी के दिखाने के लिए हमारा बच्चा प्राइमरी में जा रहा पढ़ने, बस उस दिखावा के चक्कर में स्कूल तो नहीं सुधरा। लेकिन हाँ, वो सच्चाई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पहले, आज 6-7 साल पहले आया था, हर कोई अपना बच्चा पढ़ाए, अगर उस आदेश पर काम हुआ होता तो आज स्थिति दूसरी होती है। आप मतलब राशन और सड़क और आवास योजना के तहत सुरक्षा के मुद्दे से हम मोदी से खुश होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा तो सर छोड़ दीजिए, अभी गलवान घाटी में क्या हो रहा है, कहाँ का नहीं हो रहा है, अब क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हर लोगों का अपना नजरिया है, ये भारत है, आज़ाद भारत है, हर कोई अपना सोचने का अधिकार है, लेकिन मेरे नज़रिए में जो सही है उन्होंने बताया। चलिए, आपका नज़रिया यही है, ठीक है सर। आप लोग भी बात करेंगे साहब? नहीं, अरे तो करिए। क्या नाम हुआ सर? एक सेकंड, हमारे कैमरा पर्सन बेचारे फंस गए हैं जी। भाऊ जी, क्या नाम हुआ? हमारा नाम जगदीश कुशवाहा है। जगदीश जी, क्या करते हैं आप? हम ये सब्जी की दुकान लगाए हैं। सब्जी की दुकान? हाँ। ये बताइए, आप जैसे जो कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, 10 साल कैसे रहे हैं सरकार में? 10 साल बहुत अच्छी सरकार ये चला है। हाँ, मोदी सरकार। अब ये तो हम ये देख रहे हैं कि गुंडेगिरी और जो मतलब ये है हमारे ये मलावा वो है वहाँ पे जो है लोग जाते थे तो मतलब वहाँ परेशान करते थे लड़के लोग। कानून व्यवस्था सुधरी है आप? हाँ, ये इसमें बहुत कानून सुधरा है। बाकी कैसा रहा है, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों के सवाल पर कैसी रही है सरकार? सच बताइए, आप समर्थन भी करते हैं तो कोई नहीं, अब केशव प्रसाद मौर्य या बाबूलाल कुशवाहा किसके साथ आप साथ हो तो दिख रहा है, बट ये बताइए आप कैसे रहे हैं, ये इन मुद्दों पर कैसा रहा है सरकार? नहीं नहीं, ये सरकार ठीक है अभी। सरकार ठीक? हाँ। तो आप मतलब बीजेपी को वोट करें? हाँ। आपका भी यही कहना है सर? जी हाँ, हम तो बीजेपी है ही है। आप बीजेपी है ही है। ये केशव जी का यहाँ पर प्रभाव है या वैसे ही? सच सच नहीं, केशव जी के प्रभाव नहीं, ये मोदी का मोदी का ही सीधा प्रभाव। हाँ जी, मोदी जी, केशव जी का भी है। केशव जी अभी हमारे बगल में रामलीला मैदान में खाल दिए हैं 11 लाख का, तो उनका भी काम है केशव जी का। हम तो दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो अभी तक सारी पार्टियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे लिए, हमारे पूरे गांव के लिए, समाज के लिए उन्होंने काम किया। अभी बगल में लाइट भी लगी है हमारे विधायक के द्वारा और अच्छे काम हुए हैं केशव जी का। तो रामलीला मैदान देख सकते हैं जी। जो देखिए, जो चीज़ अच्छी है उसे कहना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल साहब, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है? नहीं, हम ये पकड़ लेंगे, आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए बस। हाँ, ये हम पकड़ लेंगे। क्या बोलना चाहते हो? बोलो। चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, चुनाव के बारे में क्या बोले हम जी? बताइए बताइए, आपने भगवा गमछा पहना हुआ है। हाँ, मोदी सपोर्टर है चुनाव का। हाँ जी, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों मोदी सपोर्टर है? हाँ, अरे ये हम पकड़ लेंगे। मोदी जैसे मोदी समर्थक लगते हैं, सब कुछ आप ही का ही है, हमारा माइक भी आप ही ले जाएंगे, ये कोई बात हुई? प्रधानमंत्री है लोकतंत्र में, तानाशाही थोड़ी ना, हमारा माइक भी ले जाएंगे। प्रधानमंत्री है। हाँ, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। क्यों पसंद है? क्योंकि मोदी काम अच्छा जी। आराम से, क्या अच्छा काम लगे? मोदी काम अच्छा, भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। मोदी जी तो अपने भाषण में कह रहे हैं कि मुसलमानों को आपके मंगल सूत्र दे देंगे, आप कह रहे हो कि भेदभाव नहीं है। यह गलत बात है, जब कोई भी काम होगा तो नुकसान और फायदा होगा जी। हाँ, तो आप कह रहे हैं भेदभाव नहीं है, हम तो प्रधानमंत्री की जगह भाषण बता रहे हैं, बड़ा दर्दनाक भाषण था। नहीं, प्रधानमंत्री तो वो सबके हैं। लोग भड़का रहे हैं, ये काम सपा वाले पार्टी का है,
लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी वो भाषण दिए हैं, आप कह रहे हो सपा पार्टी का प्रधानमंत्री जी सपा में चले गए? नहीं नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी किशीपुर गांव में हैं और फूलपुर लोकसभा के मौर्य समाज से हमने बात करी। अभी भी लगता है ज़्यादातर रुझान इस बार मोदी या भाजपा की तरफ ही है, कोई खास बदलाव नहीं है। कुछ लोग ज़रूर मिले हैं जिनका मन थोड़ा सा पलटा है, लग रहा है आरक्षण पर उनको लग रहा है थमड़ा हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जिनसे लोगों से बात हुई मोदी सरकार से अभी भी खुश लग रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी का भी किसी ने कहा उस पर एक अच्छा प्रभाव है। जुड़े रहें CCA के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।